हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख। आज मेजर ऑफ डिस्पर्शन का लेक्चर नंबर 3 है, जिसके अंदर हम कवर करने वाले रिमेनिंग सम ऑफ एक्सरसाइज 2.2। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है। द मीन एंड द वेरियंस ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन आर 3 and 2 इज्जत से। इफ 3 ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस आर 1, 3 and 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 2 ऑब्जर्वेशन। पहले क्वेश्चन समझते क्या दिया है। क्वेश्चन में बोला है कि हमारे पास कितने ऑब्जर्वेशन है, 5, मतलब n 5 दिया है। उसके अलावा सुनिए हमको क्या दिया है, तो यहाँ पे मीन दिया है एंड वेरियंस दिया है। मीन कितना दिया देखो जरा, तो मीन दिया है तुमको 3 एंड वेरियंस दिया है तुमको 2। क्लियर है यहां तक, पक्का? उसके अलावा क्वेश्चन में बोला है कि 5 ऑब्जर्वेशन है, मतलब एक्स का वैल्यू कितना है, 5। उसमें से पहले 3 वैल्यू दिए, 1 है, 3 है, 5 है, और ये मिसिंग है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा एक्स 4 है, या तो इसको ए ले ले दो और इसको बी ले ले दो। आप इसको एक्स 4x y भी ले सकते हो, आपके ऊपर है। मैंने a और b अज्यूम कर लिया। ये जो मिसिंग वैल्यू, मुझे ये क्वेश्चन में इन दोनों का वैल्यू फाइंड करना है। ये समझा, क्लियर है? अब देखते हैं सम कैसे सॉल्व होगा। अपने को n मालूम है, मीन मालूम है, वेरियंस, तो इन दोनों के फॉर्मूले से ही अपने को ये मिसिंग वैल्यू को फाइंड करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मीन का फॉर्मूला, मीन यानी कि x बार का फॉर्मूला है, समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन। समेशन ऑफ एक्स मतलब इसका टोटल, बराबर है? तो इसका टोटल अगर मैं करूं तो 1 + 3 = 4, 4 + 5 = 9 + a + b होगा, बराबर है? तो x बार क्वेश्चन में दिया है 3, x का टोटल कितना है 9 + a + b / 5। अरे ये समझा, इधर नीचू इधर ऊंचू, मतलब ये डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 15 = 9 + a + b। प्लस 9 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 15 - 9 = a + b, therefore a + b = 6। इतना समझ में आया? अब यहां पे मैं थोड़ा सा ब्रेन यूज करके या तो a का वैल्यू या तो b का वैल्यू फाइंड कर सकता हूं। मतलब ऐसा लिख सकता हूं, a = 6 - b, या तो b = 6 - a, कोई भी एक, a का वैल्यू या तो b का वैल्यू, क्योंकि यहां पे दो वैल्यू मिसिंग है तो किसी एक को कॉमन करना पड़ेगा। ये समझा क्या? पक्का समझा? तो इधर मैंने क्या फाइंड किया, a का वैल्यू और b का वैल्यू, किससे, मीन से। अब मैं आ जाता हूं वेरियंस के ऊपर। वेरियंस का फॉर्मूला, मतलब वेरियंस का फॉर्मूला है समेशन ऑफ x² / n माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर। रॉ डेटा के लिए हमने किया है ये। वेरियंस मालूम है 2, समेशन ऑफ x² मतलब इधर एक स्क्वायर का कॉलम बनाना पड़ेगा, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, a का स्क्वायर, a स्क्वायर, समझ में आया क्या, b का स्क्वायर। अब इसका टोटल लेना पड़ेगा, तो इसका टोटल कितना है, 10 + 25 = 35 + a² + b² अरे ये समझा गया, पक्का समझ में आया? चलिए ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पे। तो समेशन ऑफ x² है अपने पास, हाँ सर है, 35 + a² + b² / 5 - 3 the whole square। 3 कहां से आया सर, मीन ना x बार दिया ना। चलिए ठीक है, 2, ये नीचू इधर आएगा ऊंचू हो जाएगा, बट सबर करना है थोड़ा, घाई कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहां पे डिनोमिनेटर इक्वल करना पड़ने वाला है। तो यहां पे आ जाता हूं, 35 + a² + b² - 9 / इधर क्या है 5, इधर कुछ भी नहीं है, बेबी को तो बेस पसंद आने वाला है, तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहां पे आएगा 2 = 35 + a² + b² / 5, 9 = 45 / 5। अरे ये समझा, अब ये सेम कर सकता हूं मैं, हाँ या नहीं?
जैसे सेम कर दूंगा तो यहां पे ऊपर की तरफ ही लिख रहा हूं, यहां पे ये आ जाएगा टू इज इक्वल्स टू माइनस हो जाएगा 35 प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 45 अपॉन 5। अरे ये समझा क्या, 35 में से 45 जाएगा तो माइनस, तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 10 अपॉन 5 इक्वल्स टू 2। इधर आ जाएगा 10 इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 10, माइनस 10 इधर आएगा तो प्लस 10, 10 प्लस 10 इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, 20 इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। इतना समझ में आ गया? अब आपके पास a और b का वैल्यू मालूम है, किसी एक का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, या तो a का वैल्यू या तो b का वैल्यू, जो आपको पसंद है। अगर a सब्स्टिट्यूट करना है तो a, b सब्स्टिट्यूट करना है तो b, बोलोगे वो वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। कौन सा, a का, चलिए ठीक है a का वैल्यू ही सब्स्टिट्यूट करते। तो इधर 20 इज इक्वल टू a का वैल्यू क्या है 6 माइनस बी, तो यहां पे आ जाएगा 6 माइनस बी द होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अरे ये समझा क्या, हाँ या नहीं? हाँ। अब ये कौन से फॉर्मेट में, a माइनस बी द होल स्क्वायर, तो a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो आप लोग ने बचपन में पढ़ा ही है। तो 20 इज इक्वल्स टू 6 स्क्वायर, यानी कि 36 डायरेक्ट लिख रहा हो, चाहिए तो आप लिख सकते हो भाई 6 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6 इंटू बी 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझा क्या किया, That is 20 is equals to 6 का square 36, 6 to the 12b plus b square plus b square। अरे ये समझा क्या, 20 is equals to 36 minus 12b plus 2b square। अरे ये समझा, समझ में आया? चलिए नंबर्स को नंबर के साथ ले लेता हूं, या तो सबको ये बाजू ले लेता हूं, तो ये सब इधर, या तो 36 को इधर, डिपेंड करता है आपको जैसा प्रेजेंट करने का। 36 को इधर ले लिया तो 20 माइनस 36 इज इक्वल टू माइनस 12b प्लस 2b स्क्वायर। ये समझा क्या, तो इधर माइनस 16 इज इक्वल टू माइनस 12b प्लस 2b स्क्वायर, सब 2 के टेबल से डिवाइड होता है, 2 के टेबल में 16 भी जाएगा 12 भी जाएगा 2 भी जाएगा, तो डिवाइडिंग बाय 2 कर दूंगा, तो यहाँ पे डिवाइड बाय 2 कर देता हूं, तो माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 6b प्लस बी स्क्वायर। अरे ये समझा गया, पक्का समझ में आया? स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज कर देता हूं, माइनस 8 को इधर ले लेता हूं, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे हो जाएगा, पहले बी स्क्वायर फिर माइनस 6b माइनस ये बाजू आएगा तो प्लस 8 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म एक जमाने में आपने किया था, जमाना मतलब भी टेंथ में ही किया है, ज्यादा दूर भी नहीं है। तो 8 को स्प्लिट करना और 6 लाना है, 4 टू जा 8 हो जाएगा, बट माइनस 6 चाहिए, माइनस 4 माइनस 2 तो माइनस 6 भी आ जाएगा, तो यहाँ पे फैक्टर आएगा बी स्क्वेयर माइनस 4b माइनस 2b प्लस 8 इज इक्वल टू 0। जोड़ी बना दो इधर, इस जोड़ी में कॉमन b आ जाएगा, b माइनस 4 सेम ब्रैकेट b माइनस 4 लिखना है, अब b को इसके पास लेके जाना है, माइनस 2 बच गया है इज इक्वल टू 0, b माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड b माइनस 4 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर b इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 4। ये समझा, अब b का वैल्यू मिला तो a का वैल्यू भी मिल जाएगा, तो a का वैल्यू कैसे मिलेगा, तो a इज इक्वल टू क्या था 6 माइनस बी है, देयरफॉर a इज इक्वल टू 6 माइनस 2 और a इज इक्वल टू 6 माइनस 4, देयरफॉर a इज इक्वल टू 4 और a इज इक्वल टू 2। सम समझ में आया क्या, अप्रोच क्या किया, मीन दिया था तो मीन का फॉर्मूला अप्लाई किया, वेरिएंस दिया वेरिएंस का फॉर्मूला अप्लाई किया और कंसेप्ट क्लियर करवा। समझ में आया है? क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, ऑब्टेन द स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर द फॉलोइंग डेटा। अपने को स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करना, कुछ डेटा दिया है, पहला है क्लास इंटरवल, बताओ क्या दिया है क्लास इंटरवल में, 60 से 62 से 64, क्या बात है, 64 से 66, 68 से 70, बस इतना ही दिया है,
फ्रीक्वेंसी दिया है, बताओ कितना, 4, 30, 45, 15, 6. अब मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है स्टैंडर्ड डिविएशन, और स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करने का फॉर्मूला है रूट ऑफ वेरियंस, और वेरियंस का फॉर्मूला फॉर ग्रुप डेटा समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर अपॉन समेशन ऑफ एफ माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर. तो पहले अपने को एक्स बार चाहिए, फिर एफ एक्स स्क्वायर चाहिए, और एक्स भी चाहिए. यहाँ पे एक्स है ही नहीं, तो यहाँ पे पहले एक्स का कॉलम बनेगा. कैसे बनेगा, तो ये जो है क्लास इंटरवल, इसका मिड पॉइंट, तो 60 और 62 का मिड पॉइंट 61, 62 और 64 का 63, 65, 67. समझ में आया, क्लियर है, पक्का. एक्स तो बन गया, अब आपको फॉर्मूला फॉर मीन फाइंड करना है. एक्स बार का फॉर्मूला समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ, मतलब यहां पे एफ एक्स का कॉलम बनेगा. 4 इंटू 61 244, 30 इंटू 63 1890, फिर 45 इंटू 65 2925, 15 इंटू 67 1005, 6 इंटू 69 414. अरे ये समझा गया. तो हम अब क्या करना है, इसका भी टोटल लेना है और एफ का भी टोटल लेना है. तो अपने को पहले एफ एक्स का टोटल ले लेना है. एफ एक्स का टोटल 6478 और एफ का टोटल 100. ठीक है, आ जाते हैं एक्स बार. एक्स बार फाइंड करने का फॉर्मूला है समेशन ऑफ एफ एक्स. समेशन ऑफ एफ एक्स कितना है, 6478 अपॉन 100. 100 मतलब दो के बाद पॉइंट डाल दो सर, तो एक्स बार का आंसर 64.78. एक्स बार मिल गया. अब एक्स बार तो आ गया. वेरियंस फाइंड करने के लिए समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर चाहिए. एफ एक्स स्क्वायर चाहिए मतलब एक्स का स्क्वायर करो, या तो फिर डायरेक्ट अगर करना है तो एफ एक्स स्क्वायर कैसे मिलेगा, इसको इनके साथ सिर्फ मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि एफ एक्स तो ऑलरेडी है. एक्स स्क्वायर का कॉलम को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें एक्स दो बार हो जाएगा. बात समझा, पिछले लेक्चर के अंदर अपन ने क्या किया था, एक्स का स्क्वायर किया था, और मैंने ऑलरेडी बताया अगर आप कंफ्यूज हो कि स्क्वायर कैसे निकालना, तो 11th स्टैंडर्ड के लिए ट्रिक दे रहा हूं, जरा ध्यान देना. कोई भी दो डिजिट का नंबर आएगा, कोई भी दो डिजिट का नंबर आएगा और आपको उसका स्क्वायर नहीं आता है, अगर वो 10 से बड़ा नंबर है, नॉर्मली तुमको 20 तक तो याद रहता है स्क्वायर, लेकिन 20 से बड़ा नंबर अगर आ जाता है और उसका स्क्वायर करना है, जैसे यहां पे मेरे पास नंबर है 61, 63, 65, 67, 69, इसका मुझे स्क्वायर करना, फट से करना है, तो क्या करने का, जो भी दो डिजिट का नंबर रहेगा, ये स्पेशली दो डिजिट के लिए बता रहा हूं, कोई भी दो डिजिट का नंबर ले लो. फॉर एग्जाम्पल इधर अभी अपने पास 65 है, तो मैंने 65 ले लिया, तो 65 इंटू क्या करना है, तो 6 इंटू 5 इंटू 2 करना है, तो 6 5 जा 30, 30 इंटू 2 60. ये समझ में आया क्या, 11th स्टैंडर्ड देखो कैसे हो रहा है. 6 इंटू 5 इंटू 2 किया, 2 क्यों किया, स्क्वायर करना है इसलिए. अभी 6 का स्क्वायर क्या है सर, 6 का स्क्वायर 36 है, 5 का स्क्वायर क्या है 25 है. ये समझ में आ गया, 2 का स्क्वायर नहीं करना है, 6 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, ये समझा पक्का. अब इसमें ऐड करना जो तुम्हारे पास आंसर आया, कितना है 60, तो पीछे से ऐड करेंगे, एक डिजिट खाली छोड़ देना है और ऐड करना, तो ये 5 2 6 प्लस 6 12 एंड 4, तो आप देखना 65 का स्क्वायर का आंसर है 4225. ऐसे कोई भी दो डिजिट का नंबर आप स्क्वायर करना चाहो फटाफट हो सकता है, कितना बड़ा भी नंबर होने दो. फॉर एग्जाम्पल 98 है, अब 98 का स्क्वायर करना है तो कैसे करूंगा मैं, 9 इंटू 8 इंटू 2, 9 8 जा 72, 72 इंटू 2 करो तो 144, ये 144 हो जाए. 9 का स्क्वायर 81, 8 का स्क्वायर 64. अब जो आंसर आया इसमें ऐड कर दो, पीछे का एक डिजिट तो छोड़ देना है, तो 144, 4, 10, 5, 6 एंड 9, 9604.
बात समझ में आया। तो अगर आपको ऐसे नंबर्स का स्क्वायर करना है तो ये ट्रिक मैंने दे दिया, मैंने इधर डायरेक्टली किया है, बट आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक स्क्वायर का कॉलम बनाओगे तो इसका सबका स्क्वायर करना है और फिर एफ से मल्टीप्लाई करना है, तो जो अब मेरे को इधर आंसर आने वाला है वही आपको भी आएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर आपको चाहिए तो आप एक्स स्क्वायर का कॉलम प्रिपेयर करोगे, कैसे, तो 61 का स्क्वायर, 63 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर, 67 का स्क्वायर, 69 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बन गया। अब इसको एफ से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे एफ एक्स स्क्वायर कॉलम बन जाएगा, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है और ये एफ है तो एफ एक्स स्क्वायर बन जाएगा। या तो दूसरा तरीका क्या है, एफ एक्स प्रिपेयर है, इसको एक्स से मल्टीप्लाई करो तो भी एफ एक्स स्क्वायर आएगा, इनको मल्टीप्लाई करो तो भी ये कॉलम मिलेगा, या एक्स स्क्वायर इंटू एफ करोगे तो भी आंसर सेम आएगा। तभी मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो और बताओ कितना आ रहा है, 14,884, ठीक है। 63 इंटू 1890, 1,19,070, 65 इंटू 2925, 1,90,125, ठीक है, 1,90,125। इधर मल्टीप्लाई करो, 6,7,3,3,5, वेरी गुड। लास्ट वाला 2,8,5,6, अब इनको हमने मल्टीप्लाई तो कर दिया, अब इनका टोटल लेना है, तो इसका टोटल लेके 4,19,980, ये समझ में आ गया। चलिए अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए, वराइंस फाइंड करना है, तो वराइंस के लिए एफ एक्स स्क्वायर चाहिए था, तो 4,19,980 अपॉन एफ, एफ का टोटल आपके पास है 100 माइनस एक्स बार आपके पास है 64.78, इसका स्क्वायर करना है। बात समझ में आया? अब 100 मतलब दो डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो 4,199.80 माइनस 64.78 को दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर आएगा यहाँ पे 4,1,96.44844 है, तो इसको 4,5 कर देता हूं, 8 है ना वहां पे। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो वेरिएंस का आंसर आ जाएगा 4,199.80 माइनस 4,196.45 इज इक्वल्स टू 3.35, बस इतना ही आएगा, ठीक है। वेरिएंस आ गया तो स्टैंडर्ड डिविएशन आएगा, और स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला है रूट ऑफ वराइंस, दैट इज रूट ऑफ 3.35। 11 स्टैंडर्ड इतने पे स्टॉप हो जाएंगे, बट 13th वाले अगर कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड डिविएशन में रूट का बटन प्रेस करेंगे तो आपको आंसर आएगा इसका रूट ऑफ 3.35 इज इक्वल्स टू 1.83 जो भी आपको आंसर आया, समझ में आया क्या? सम नंबर 8, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन वॉज ऑब्टेन बाय चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल ऑफ वेरिएबल एक्स। थोड़ा सा ट्विस्टिंग है क्वेश्चन, एक्स के जगह पे यहां पे आपको डी का कॉलम दिख रहा होगा और एफ तो दिया ही है। अब इधर क्या क्या है मालूम है, पहला कॉलम होना चाहिए था क्लास इंटरवल, दूसरा कॉलम होना चाहिए एफ, क्लास इंटरवल से बनता है एक्स, क्लास इंटरवल से क्या बनता है एक्स, अभी आपको बताया था मिड पॉइंट रहता है इसका, और एक्स से बनता है डी। ये एक प्रोसेस है मीन फाइंड करने का, मीन फाइंड करने का फॉर्मूला है कि अगर एक्स बड़ा नंबर है तो आप उसे छोटा कर सकते हो, और छोटा करने के लिए आप क्या यूज करते हो, डी। इस क्वेश्चन में डी दिया है, बताओ क्या दिया डी का वैल्यू, -4 बराबर, फ्रीक्वेंसी दिया है 4, 8 के बाद 14, 18, 20, 14, 10, 6, 6 बराबर है। अब अगर x होता तो fx का कॉलम बनता, x है क्या,
डी है, तो यहां पे एफ डी का कॉलम बनेगा, एफ एक्स की जगह पे एफ डी मल्टीप्लाई माइनस 16 बराबर माइनस 24 माइनस 28 माइनस 18 जीरो 14 20 18 24 बराबर है। अरे बराबर, अब हम एफ एक्स के जगह पे एफ डी का टोटल लेंगे, एफ का टोटल तो चाहिए ही चाहिए, तो मैं फाइंड कर रहा हूं यहां पे एक्स बार नहीं, यहां पे मैं फाइंड कर रहा हूं डी बार। एक्स अगर रहता तो एक्स बार होता वो, अब यहां पे एक्स नहीं है डी है, तो ये क्या हो गया डी बार। तो डी बार का फॉर्मूला आएगा समेशन ऑफ एफ डी अपॉन समेशन ऑफ एफ, दैट इज एफ डी का टोटल, इसका टोटल कितना है बताओ माइनस 10 और एफ का टोटल कितना है 100। ओके, तो यहां पे माइनस 10 अपॉन 100 विल गिव यू 0.1 माइनस में। अरे ये समझा क्या, इतना समझ में आया? जब मैंने D देखा तो मुझे याद आया कि जो D है यहां पे D जब भी आएगा तो एक्चुअल में मीन का फॉर्मूला क्या रहता है, इसे कहते हैं अज्यूम मीन मेथड, जो मैं अभी सॉल्व कर रहा हूं इसे मैं कहता हूं अज्यूम मीन मेथड। और अज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला है x बार इज इक्वल्स टू a प्लस u बार इनटू h, बट यहां पे u नहीं, हमने क्या यूज किया d, तो यहां पे आएगा d बार इनटू h। अज्यूम मीन मेथड का, अज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला है, मीन का फॉर्मूला है x बार इज इक्वल्स टू a प्लस डी बार मतलब जो यू वी जो भी आपने वेरिएबल यूज किया रहेगा, यहां पे मैंने डी यूज किया तो डी बार इंटू एच, वेयर ए स्टैंड्स फॉर अज्यूम्ड वैल्यू, डी बार है, एच मतलब जो क्लास इंटरवल होता है उसका हाइट, जो इस क्वेश्चन में नहीं दिया है, एक्स बार तो दिया है क्वेश्चन में, देखो कितना दिया एक्स बार, मीन कितना दिया क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में गिवन द मीन And the variance is 59.5 and 414. तो ये कितना दिया है 59.5. A मालूम नहीं है, D बार हमने find किया है minus 0.1 into height. ये समझा? और अच्छे से अगर लिखना है तो मैं लिखूंगा 59.5 is equals to A minus 0.1 h. इतना लिख के छोड़ दूंगा, ये समझा? तो मीन का फॉर्मूले से मुझे ये इक्वेशन आया, इसके आगे मैं इसे सॉल्व नहीं कर सकता, उसका रीजन ये ना तो मुझे ए मालूम है ना ही मुझे हाइट मालूम, अगर मुझे कोई वैल्यू अज्यूम करने वाला मिल गया होता तो मैं फाइंड करता। एक्चुअल में ये डी कैसे आता है, तो एक्चुअल में डी कैसे आता है, तो डी का फॉर्मूला रहेगा डी इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए अपॉन एच, ये जो डी फाइंड करते हो ना तो डी का फॉर्मूला ये है। अब तुम बोलोगे सर हमको मालूम नहीं है, हम जब मीन सॉल्व करेंगे अभी फ्यूचर में जब मीन सॉल्व करेंगे तो मीन के अंदर मैं अज्यूम मीन मेथड का एक सम लूंगा तो उसके अंदर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने वाले। फिर भी अभी सिर्फ प्रेजेंट के लिए डी दिया था तो डी का फॉर्मूला मैंने बताया, एक्स मतलब जो यहां पे नंबर होता है उसमें से एक नंबर आपको सिलेक्ट करना है, इस केस में मेरे हिसाब से वो 20 है क्योंकि इधर जीरो जब भी आया है तो जीरो मतलब वही नंबर अज्यूम रहता है, ऐसा मेरा अजम्पशन है, आंसर आएगा तो मालूम पड़ेगा। तो यहां पे नंबर रहना चाहिए ए के जगह पे 20 और फिर 20 में से 18 माइनस 20 में से 14 एंड सो ऑन, ऐसा अपन माइनस किया रहेगा जो भी इधर नंबर रहेगा, और अपने को माइनस करने के बाद ये आंसर आया। आपने इसके पहले ना सेंट्रल टेंडेंसी में मीडियन किया था, आपको बताया गया था मिसिंग वैल्यूज कैसे निकलते, तो उसमें यही कंसेप्ट था, अगर याद नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां पे आ जाओ, ये समझा यहां तक। अब मैं वेरियंस का फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, वेरियंस का फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ एफ डी अपॉन एफ डी स्क्वेयर अपॉन समेशन ऑफ एफ माइनस डी बार द होल स्क्वेयर। यहां पे मैं डी यूज करने वाला हूं, एक्स तो यूज नहीं करने वाला हूं, यहां पे मुझे कॉलम कौन सा बनाना पड़ेगा एफ डी स्क्वेयर, एफ डी है डी भी है, मल्टीप्लाई करेंगे इसका टोटल ले लेंगे, चलिए 16 इंटू 4 64 पॉजिटिव आएगा क्योंकि माइनस माइनस निकल जाएगा, 24 इंटू 3 72 56 18 0 14 40 54 96 इसका टोटल 414। चलिए ठीक है यहां पे आ जाते,
414 अपॉन 100 माइनस डी बार का आंसर कितना है? माइनस 0.1 द होल स्क्वायर. 100 मतलब दो के बाद पॉइंट, तो 4.14 माइनस 0.01 माइनस 1 का स्क्वायर. माइनस करोगे तो 4.13 आएगा. ये वेरिएंस फॉर डी आया, ये समझा. बट मुझे एक्स के फॉर्म में चाहिए, तो एक्स के फॉर्म में चाहिए, तो वेरिएंस फॉर एक्स का फॉर्मूला है वेरिएंस ऑफ डी इनटू हाइट स्क्वायर. वेरिएंस ऑफ डी कितना है? 4.13. हाइट स्क्वायर मालूम नहीं है, और ये मालूम है 413. मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ये होएगा 413 डिवाइडेड बाय 4.13 इज इक्वल्स टू हाइट स्क्वायर. अरे ये समझा क्या? हाइट स्क्वायर समझा कैसे किया? यहाँ पे फॉर्मूला ना, यहाँ पे अभी तो मैंने बताया वेरिएंस ऑफ डी इनटू हाइट स्क्वायर, ये इधर आएगा डिवाइड. पॉइंट है 413 इनटू 100 अपॉन 413, दो डिजिट का पॉइंट. 413 कैंसल इज इक्वल्स टू हाइट स्क्वायर. स्क्वायर इधर आएगा तो रूट ऑफ 100 इज इक्वल टू हाइट, देयरफॉर हाइट इज इक्वल टू 10. हाइट मिल गया, हाइट का वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट करो, ए का वैल्यू मिल जाएगा, मतलब 59.5 इज इक्वल टू ए माइनस 0.1 इंटू 10. 10 मतलब एक पॉइंट निकल जाएगा तो ये 1 आएगा. 59.5 इज इक्वल टू ए 1 हो जाएगा. माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस, तो ये होएगा 60.5 इज इक्वल टू ए. मतलब हमने जो नंबर अज्यूम किया था वो क्या था? 60.5. ए का वैल्यू मिल गया, एच का वैल्यू मिल गया. ये समझ में आया? पक्का समझा है? कुछ भी डाउट है इसके अंदर? एनीवन? अब ये मिलने के बाद डी आपको मालूम है, डी मालूम है, एक्स माइनस ए अपॉन एच, ए भी आपको मिल गया है, सॉरी एच भी आपको मिल गया है, ए भी मिल गया, तो आपको हर केस में एक्स का वैल्यू मिलते जाएगा. हाँ, तो मैं इधर फाइंड करो पहला एक्स का वैल्यू, फर्स्ट एक्स का वैल्यू. तो इधर फॉर्मूला लिखूंगा डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन एच माइनस 4 पहला इज इक्वल टू एक्स मालूम नहीं है, ए मुझे मालूम है 60.5 अपॉन हाइट कितना 10 माइनस इधर आए सॉरी डिवाइड इधर आएगा मल्टीप्लाई, ये माइनस 40 इज इक्वल टू एक्स माइनस 60.5. ये समझा? समझा? 10 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हुआ 40 हो गया, ये जैसा है वैसे ही लिखा. माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा 60.5 माइनस 40 इज इक्वल टू एक्स. 60 में से 40 जाएगा तो 20.5 इज इक्वल टू एक्स. ये समझा? क्वेश्चन में क्या पूछा है जरा देखो. क्वेश्चन बोला है फाइंड द क्लास इंटरवल. सिंपल स्टेप पे बता रहा हूं क्लास इंटरवल कैसे निकले. हाइट कितना है? 10. मतलब इनका जो क्लास इंटरवल का गैप होगा वो 10-10 का रहेगा, बराबर है? समझा? अभी ये तो एवरेज रहेगा, तो इसको डिवाइड बाय 2 करो कितना आएगा? तो क्या करो, 20.5 में 5 माइनस 5 प्लस, तो यहां पे क्लास इंटरवल क्या आएगा? इसमें 5 माइनस करो तो आएगा 15.5, 5 प्लस करोगे 25.5, और इनका मिड वैल्यू क्या रहेगा? x 20.5, क्योंकि x क्या रहता है? मिड पॉइंट रहता है ना, तो x मिड पॉइंट कैसे आएगा भाई? ये जो हाइट था उसको डिवाइड बाय 2 किया कितना आया? 5. तो 5 माइनस 5 प्लस, और वैसे अब कंटिन्यू करते जाओ 20.5, और यहां पे आएगा 30.5 आएगा यहाँ. अरे ये समझा? इस तरह से आपको कितने क्लास में दिए उतने वैल्यूज आपको लिखने के. क्लियर हुआ? पक्का समझ में आया? आई होप आपको वीडियो पसंद आया, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.